अलीगढ़ जनपद के कमालपुर रोड भदेसी बाईपास स्थित अथर्व स्कूल पर गोले ठाकुर नंदवंशी एकता संस्था ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में समाज की बात सरकार के समक्ष समय समय पर उठाने की बात कही गई। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा महापद्म नंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। फिर संस्था के अध्यक्ष मदन लाल ठाकुर ने सोनू उर्फ मदन मोहन ठाकुर को प्रदेश उपाध्यक्ष पद व ठाकुर दास को प्रदेश प्रबंधक सचिव, रंजीत ठाकुर को प्रदेश उप सचिव, अरविंद ठाकुर को प्रदेश कोषाध्यक्ष, ठाकुर इंद्रपाल सिंह, निर्मल देव ठाकुर, नरेश ठाकुर, रवि ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप ठाकुर को प्रदेश सदस्य व मोहन ठाकुर को जिला संयोजक एवं ठाकुर सरल लाल सिंह को संरक्षक पद पर नियुक्त कर मनोनयन के पत्र सौंपे। उन्होंने संस्था के उद्देश्य व कार्यभार सौंपा व बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ठाकुर ने इतिहास में प्रथम चक्रवर्ती महाराज सम्राट महापद्मनंद की जीवन शैली पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति क्षमता के बल पर ही भविष्य में साम्राज्य स्थापित कर तत्कालीन भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसे सम्राट ने एक कर केंद्रीय शासन प्रणाली के जनक दुनिया में कहलाए। भारत को चहुमुखी समृद्धि को वैभवशाली देश बनाया। वही प्रदेश प्रबंधक ठाकुर दास ने उनके शासनकाल के बारे में कहा, उस दौर में भारत सोने की चिड़िया कहलाया। उन्होंने कहा कि समस्त पदाधिकारीगण समस्त सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण, गरीब असहाय लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करने की भी शपथ ली गई। इसके अलावा चिकित्सा शिविरों आदि कार्य करने का भी बीड़ा उठाया गया। इस मौके पर ठाकुर सत्यदेव सिंह, ठाकुर डोरीलाल, सत्यपाल फौजी, रश्मि ठाकुर, रेखा देवी, अंजलि ठाकुर, सुजान सिंह, जसवंत सिंह, अर्जुन सिंह, सुरेश ठाकुर, शिवम ठाकुर, कपिल ठाकुर, बॉबी ठाकुर, धर्मा ठाकुर, अशोक राणा, हर्षित राणा, राहुल आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। चक्रवर्ती महाराज महापद्मनंद की आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। बोलो ठाकुर समाज जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, महापद्मनंद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। साथियों नमस्ते, आइए ये गोले ठाकुर नंदवंशी समाज का जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सदस्यता भी ग्रहण की और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ में मेरे समाज हैं, इस समाज के एक से एक विद्वान व्यक्ति जो यहाँ बड़े जोश के साथ में जयघोष करके किया जा रहा था, उसके साथ में मेरे साथ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही के हमारे जो कार्यकारिणी है उसका हमने गठन किया है, सभी को अपना उनको जिम्मेदारी पदभार सौंप दिया है और इस प्रकार मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। जो संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मदन लाल ठाकुर हैं, संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू ठाकुर जी हैं, संस्था के प्रदेश प्रबंधक छोटे लाल ठाकुर जी हैं, रंजीत ठाकुर जी प्रबंधक उप सचिव हैं, अरविंद ठाकुर जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, इंद्रपाल ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं, निर्मल ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं, नरेश ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं, रवि ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं, जितेंद्र ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं, रिंकू उषदीप ठाकुर जी प्रदेश सदस्य हैं। ये हमने आज अपनी कार्यकारिणी को मनोनीत पत्र लिखे उनको पदभार सौंप दिया है और हमारी जो संस्था का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि हम आप जैसे आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका नवनिर्माण किया गया है? इसका नवनिर्माण इसलिए किया गया कि जैसे समाज में जैसे इतिहास को लेके पूर्वजों को लेके हर वर्ग हर समाज के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जैसे भारत के प्रथम चक्रपति सम्राट महाराज महापद्म जी आज 364 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, उनके जीवन में थोड़ा समय प्रकाश डालना चाहूंगा। उनके पिता का नाम महानंदी, हम उनके लिए नहीं, हम तो केवल समाज का उद्देश्य क्या है, बस उन्हें छोड़ दीजिए। समाज के उद्देश्य के लिए जैसे कि गरीब असहाय महिलाएं बच्चे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, जैसे कि आज
पर्यावरण में जिस तरह से माहौल खराब है उसके लिए शुद्ध वातावरण के लिए हर गांव ग्रामीण क्षेत्र में मोहल्लों में वृक्षारोपण करके उसको अच्छा करना, और जैसे इस तरह से घरों में अहिंसा होती है महिलाओं के ऊपर और उनके साथ ऐसे गलत कृत्य होते हैं, उनकी आवाज प्रशासन के साथ मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करना, और जो है जैसे कि समय समय पर अपने गोले ठाकुर नंदवंशी समाज की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, उनके लिए उचित मांग पर उनको सम्मान दिलाना, और आने वाले समय में जैसे कि हमारे सम्मानित साथियों हैं, इस तरह से हमें जो जिम्मेदारी है इसे ईमानदारी निष्ठापूर्वक तरीके से हम निभाएंगे और अपनी पूरी संस्था के लेके साथ चलेंगे और जो समाज हित में जो कार्य होगा वो हम करेंगे। जैसे मान लिया जाता है कि सरकार के जो लोग होते हैं सरकार से जो कार्य कराए जाते हैं तो आप तो सरकार में तो शामिल है नहीं, कैसे लोगों की समस्याएं चल रही हैं? हम जो है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके विभागों से मिलकर और उनकी मदद करने का काम करेंगे। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पहले भी आपका परिचय जानना चाहूंगा और उद्देश्य के संदर्भ में थोड़ा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद ठाकुर है और मैं अलीगढ़ से ही हूँ। आज हमारी इस संस्था गोले ठाकुर नंदवंशी एकता संस्था रजिस्ट्रेड का जो प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है हुआ है, इसके लिए आप आए हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परमनंद की जो जानकारियां हैं उनके जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। महाराज अशोक तो सम्राट ऐसे थे, वो तो पूरे देश के थे, पूरे विश्व के थे, लेकिन आपने महाराजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट पद्मनंद के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि 300 कितना हाँ तो उनके इतिहास के लिए आप लोग जन जन तक जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इस भारत भूमि पर राज्य किया था। चलिए, और उनके पास में करोड़ों हाथी घोड़े वगैरह सारी तलवारें हर चीज की सुविधाएं थी, और उन्होंने जो राजा थे उनको भी क्या नाम था उनका।